एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह। तो पिछले 3-4 दिनों से कोई व्लॉग नहीं बना, तो 3-4 दिनों से क्या, जब से मैं आई हूँ, आज मैं बता देती हूँ, आज है फ्राइडे, तो 2 तारीख है, और जब से मैं आई हूँ सैटरडे से, तब से लेकर कोई व्लॉग नहीं बना। सिर्फ एक बना था जिस दिन हम गाँव गए थे, वो वाला व्लॉग बना था। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। पिछले व्लॉग थे वही मैंने, मतलब उन्हीं को मैं अपलोड कर रही थी, क्योंकि नया बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह जाता है, तो इसी वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम व्लॉग नहीं आ रहा, दी व्लॉग नहीं आ रहा, आप कहाँ हो, सब ठीक तो है? तो सब कुछ ठीक है, और यही कारण था, और कुछ कारण नहीं था। बस आके आपको पता है सफाई कितनी रहती है, धूल वगैरह हो जाती है, तो साफ सफाई में लगी थी थोड़ी बहुत, जो कि हमेशा ही चली रहती है। आपको पता है घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। सुजल भी आ गया है आज, कल सुजल आया है नानी के साथ, और अब सब लोग हम घर पे आ चुके हैं। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। और बहुत कमेंट थे कि दी आपने अपनी शॉपिंग शेयर नहीं की, आपने सारी वीडियोस बनाई, आपने शॉपिंग नहीं बताया, आपने क्या क्या किया। आपने कहा बाद में बताऊँगी। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग हमने नहीं की, मतलब बाहर से कहीं से नहीं की, क्योंकि आपको पता है जैसे हम धर्मशाला गए थे तो वहाँ पर भी कांगड़ा में बहुत सारे केसेस थे कोरोना के, और मैक्लोडगंज में भी हम लोग ना बाहर नहीं उतरे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे दो, छोटे छोटे, और आपको पता है बच्चे फिर हर कहीं हाथ लगा देते हैं और ये खाना वो खाना, इस चक्कर से हम लोग वहीं गए थे भागसू टेम्पल तक। उसके बाद वहाँ से फटाफट वापस आ गए, और जो मैक्लोडगंज की मार्केट है वहाँ से हम बस गाड़ी से ही हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया, बाहर हम नहीं उतरे। और वहाँ पर ना लेने लायक, मतलब बहुत महंगा होता है, और मिलती सेम ही चीज़ें हैं। देखिए हिमाचल के अंदर ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, तो जो वहाँ डिफरेंट था वो हमने ले लिया था, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और उसके बाद कांगड़ा में भी हम लोगों ने एक ही शॉप में हम गए, थोड़ा सा गए थे, कुछ ज़रूरत का सामान लिया था, और सिस्टर ने शूज़ लिए थे, वो उसके चैनल पर आपने देख लिए हैं। और उसके बाद हम लोग शिमला में हम लोगों ने शॉपिंग की, जब हम गए थे तो हम लोगों ने तब भी शॉपिंग की थी, वो पूजा के बेबी के लिए की थी, और पूजा के लिए जब हम वापस आए तो हम लोगों ने खुद के लिए शॉपिंग की। क्या क्या की तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने मैक्लोडगंज में क्या लिया, तो मैंने आपको बताया था वहाँ हम एक शॉप में गए थे, बहुत ही अच्छी थी वो शॉपकीपर जो थी। तो ये देखिए, ये हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं, ये देखिए, ये है खादी का कुर्ता, ये वहाँ स्पेशल था, मतलब ये खादी के, मैंने आपको बताया भी था व्लॉग में कि खादी के पजामे और बास्केट कोट खादी का वहाँ पर बहुत था, तो उन्होंने कहा ये यहीं पर बनता है और यहीं से बाकी जगह के लिए सेल होने के लिए जाता है। वो बता रहे थे कि शिमला भी यहीं से जाता है, तो ये खादी का कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए इस तरीके का कुर्ता है, इसमें आपको ऐसे बटन मिलते हैं, ये देखिए लकड़ी के बटन है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए, और इसका कलर जो है वो हल्का सा, बस यही है जो आ रहा है। तो ये मैं लेकर आई हूँ हस्बैंड के लिए, थोड़ा बड़ा लेकर आई हूँ, क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया ये धोने के बाद इकट्ठा हो जाता है, मतलब श्रिंक होता है, खादी है तो थोड़ा गफ हो जाता है, तो ये मैं एक लेकर आई हूँ। और वो जो शॉपिंग है ना, इस चक्कर में वो यहीं पड़ी है, इसको मैं अंदर भी नहीं लेकर गई, मतलब दूसरे रूम में, तो ये मैं लेकर आई हूँ दूसरा कुर्ता। ये देखिए, ये है सुजल के लिए, ये भी सेम है खादी का ही है, बस इसमें लाइनिंग नहीं है, ये प्लेन है। तो ये देखिए, और ये उसने पहनकर देखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, ये वाला कलर सबसे अच्छा लग रहा था, तो ये मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। डेली यूज के लिए काम आ जाते हैं, जैसे गर्मी है इसमें गर्मी नहीं लगती है। तो बस ये दो चीज़ें हैं जो हम मैक्लोडगंज से लेकर आए थे, बाकी सिस्टर ने भी कुर्ते ही लिए थे, इसी तरीके के थे, और जो देवर थे साथ में उनके भैया, उन्होंने भी यही बहुत सारे कुर्ते लिए थे, 6-7 कुर्ते उन्होंने लिए थे खुद के लिए, कजन्स के लिए। तो उसके बाद हम लोग आए शिमला, मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रेंड्स में गए, हम लोगों ने वहाँ शॉपिंग की। शॉपिंग करने का कारण कोई ऐसा कोई ओकेज़न नहीं था, हस्बैंड जो है 1.5 साल में ऐसी शॉपिंग कर लेते हैं, वो भी कोई, जैसे पिछली बार मेरी बुआ की बेटी की मैरिज थी, तो आप लोगों को पता होगा, बहुत पुराने जो मेरे व्यूवर हैं, तो तब इन्होंने ट्रेंड से शॉपिंग की थी। वहाँ से शॉपिंग करने का कारण ये था कि वहाँ जो
पैंट्स मिलती है जो वहाँ पर, उसका कपड़ा कुछ अलग ही रहता है, और जो ब्रांड की चीज़ें होती है, जो ब्रांड का मतलब स्टिचिंग हो गया या उनका साइज़ हो गया, वो बहुत अच्छे से इनको फिट हो जाता है। और सुजल को हमेशा मुझे ब्रांड की ही पैंट लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको साल 1.5 साल में एक ही पैंट ली जाती है। लास्ट इसको इसके नानू के यहाँ जब हम गए थे पिछले साल, तो उस टाइम ली थी, और उसके बाद ये अभी हम लेकर आए हैं, क्योंकि इसको साइज़ नहीं होता है, जो बच्चों के साइज़ होते हैं ना, जैसे हमारी खुद की शॉप की है तो इसको पैंट नहीं आती, पूरा रामपुर हम छान मारते इसको पैंट नहीं मिलती, तो इसको या मेगा मार्ट या आपको ये अमरटेक्स में, कभी हमने ट्राई नहीं किया, अमरटेक्स के लोअर इसे ठीक आ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की रहती है, एडजस्टेबल, तो इसे ये बिल्कुल ठीक आ जाती है। तो ये देखिए इस तरीके की इसको पैंट ली है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसकी वो जो पुरानी पैंट्स थी ना, वो अब छोटी भी हो रही है। तो ये देखिए इस तरीके, वहाँ पर क्या रहता है ना मेगा मार्ट में, आपको इस तरीके से मिलता है 13 से 14 ईयर्स, मतलब 13 से 14 साल के लिए, 7 से 8 साल के लिए, 8 से 10 साल के लिए, इस तरीके के साइज़ जो इनके साइज़ होते हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हम लोग लेकर आए हैं, तो ये देखिए इस तरीके की है, बहुत अच्छी है, और अब 1-1.5 साल के लिए आराम है, जब तक ये छोटी नहीं हुई, क्योंकि बच्चों को पिछले साल ही कपड़े लगे हैं, अदरवाइज तो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उस वजह से नहीं लगती है। और अब मैं आपको बताती हूँ दो अच्छी सी चीज़ें। तो ये देखिए ये मैं लेकर आई हूँ टॉवल, ये वाला जो टॉवल है ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई हूँ। तो विशाल मेगा मार्ट में मैंने पहले भी शॉपिंग की थी, बहुत सारी की है, वो मैंने अंदर रख दिया, देखो मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये टॉवल मैंने वहाँ से लिया है 200 का, बहुत अच्छा है, मतलब फाइबर सा है पर पानी को बहुत अच्छा सोखता है। सिस्टर ने इसे यूज़ किया है ना, तो उसने मुझे बताया कि दी ये वाला टॉवल अच्छा है, तो मैंने ये दो ले लिए, ये देखिए एक वाइट ग्रे और वाइट ब्राउन, बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल हल्के हैं, भारी नहीं है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हस्बैंड की शॉपिंग, तो ये हम लोग लेकर आए हैं, ये देखिए ये टी शर्ट्स है, दो टी शर्ट्स लेकर आए हैं, ये इस तरीके की है, और दूसरी जो है वो भी ऐसी है सिमिलर से, क्योंकि इन्हें ब्लैक ब्लू ही पसंद आता है। तो ये देखिए ये इस तरीके की है, तो ये दो टी शर्ट्स हैं इनकी, और एक इनको ये मैंने ले ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इस ब्रांड की बहुत अच्छी होती है ब्रिंक, ये मेगा मार्ट से है और ज़्यादा महंगी नहीं है, देखिए 199 की है, और ये फुली स्ट्रेचेबल होती है। तो ये हो गई, और इसके बाद ये है इनकी दो निकर कैप्री जो भी बोलेंगे हम इनको, तो इसमें ना बहुत अच्छा बरमूडा, बहुत अच्छा ऑफर था, बाय वन गेट वन फ्री थी, तो ये देखिए इसके साथ एक ये फ्री है, मतलब वही होता है, ये 400 की थी तो आप 200 ईच समझ लो। ये देखिए ये इस तरीके की है, ये देखिए ये लेकर आए हैं, ये पैंट कॉटन में है, बहुत अच्छी रहती है, ये एक बार मैंने इनको वहाँ से दिलवाई थी बुआ की बेटी की मैरिज में, उसके बाद ये वहीं से मतलब उसके बाद अभी गए थे ये, तो यही वाली पैंट इन्होंने ढूंढी, बहुत ही कंफर्टेबल है, ये देखिए बहुत अच्छी है, और एक ये है, और इसमें थोड़ा प्रिंट सा है, हल्का सा लाइनिंग सी है, और उसके बाद एक ये वाली ली है, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी है ये, तो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये खुद गए थे तो ये अपने को कपड़े नहीं लेते हैं, तो हमारी शॉप्स में जो है ये वाली चीज़ नहीं आती है, क्योंकि ये जो ब्रांडेड चीज़ें होती है ना, ये पता नहीं कहाँ से मिलती है, हमें भी नहीं मालूम, तो ये वाली हमारे शॉप में नहीं होती है, ये वाला कपड़ा हमारे शॉप में जीन मिलेगी और कॉटरा मिल जाती है, तो वो ये कहीं से नहीं लेते हैं। और ये इनकी वेस्ट सैंडो ग्रे कलर की, और आप मॉल वगैरह में जाते हैं ना तो वहीं के रह जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो एक मैंने लिया है ये टॉप, बहुत ही अच्छा था, और ये मैंने एक साइज़ बड़ा लिया है, वैसे मेरा साइज़ मीडियम है, ये मैंने लार्ज लिया है, तो ये मैंने वैसे ही ले लिया कि हम लोग सोच रहे हैं कहीं घूमने जाने की,
अगर वो प्लान सक्सेसफुल हो गया तो मैं इसे ट्राई करूँगी। आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर के साथ भी, फुल स्लीव्स हैं और देखिए कितने प्यारे टेसल्स लगे हुए हैं। तो ये हो गया, और बाकी ज़्यादा टाइम नहीं था ना तो हम लोग ज़्यादा नहीं वो रुक पाए। और एक मैं लेकर आई हूँ कुर्ती सेट, सेट तो नहीं है पर मैंने बनाया, तो ये देखिए मुझे बहुत सुंदर लगा। आप लोग कमेंट करके बताना ये किस किस को सुंदर लगा कि नहीं, बाकी क्योंकि मोस्टली लोग ये बोल रहे हैं कि कलर थोड़ा फीका है पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे फीके कलर। तो ये देखिए, और ये ना अवासा ब्रांड की है, ये देखिए इसकी कुर्तियाँ बहुत अच्छी होती है, इनकी स्टिचिंग कलर वगैरह प्रिंट बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए इस तरीके की कुर्ती है ये, और इसके ना फ्रंट में यहाँ पर स्लिट है, ये देखिए साइड में इसमें स्लिट नहीं है, राउंड कुर्ती है, फ्रंट में है, बटन्स है बहुत सुंदर, और इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए यहाँ से कट है और अंदर की तरफ पिंक ये लगा हुआ है कपड़ा जैसा यहाँ लगा है, और इसमें साइज़ मैंने मीडियम लिया है। वैसे ट्रेंड्स के जो साइज़ है वो मुझे स्मॉल आ जाता है, बाकी अदर ब्रांड्स के मुझे मीडियम आते हैं। तो कैसी लग रही है ये कुर्ती मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और जल्द ही आप इसको इसमें इसको मतलब मैं पहनूंगी तो आप मुझे देखोगे। और इसके साथ मैं फिर ये एक लेगिंग भी ले आई थी, ये कलर की मेरे पास थी, पुरानी हो गई थी, तो ये भी लार्ज साइज़ में है पर ये महंगी बहुत थी, ये 499 की थी। वैसे इतनी आती है 365 लेयर वगैरह की, तो ये 499 की थी। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लार्ज साइज़ की है ये, एंकल लेंथ की है ये, जो कि इसके साथ मैं लेकर आई हूँ। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और मैं वहाँ से क्या लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ वहाँ से दो नमकीन के पैकेट 1-1 kg के, वो ना मैंने रख दिए, मेरे दिमाग से निकल गया। और किचन का सामान था, वाइप्स थी, किचन वाइप्स थी, और सॉस हो गया जो मोस्टली मैं वहीं से लेकर आती हूँ जब शिमला जाती हूँ, 1-1 get 1-3 वाले, और बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आई। जब हम पहले दिन गए थे ना तो उसी टाइम हम मैंने वो सामान ले लिया था। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने शिमला में ही की, आप कह सकते हैं ट्रेंड्स और मेगामार्ट में। शिमला भी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बाज़ार में ना बिल्कुल भी नहीं गई, मतलब लोअर बाज़ार में मैंने पैर भी नहीं रखा। जिस दिन मैं शिमला गई नेक्स्ट डे हम लोग लेट हो गए थे मेगामार्ट और ट्रेंड्स गए, वहाँ से वापस आ गए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे घूमने निकल गए। जैसे ही रात को हम घूमकर वापस पहुंचे नेक्स्ट डे, फिर हम लोग, वो भी एक चीज़ थी कि जो मैंने ये वाला टॉप लिया है ना, ये वाला, इसकी जगह मैंने थोड़ा लॉन्ग सा टॉप ले लिया था, मुझे लग रहा था ये कंफर्टेबल होगा, पर जब मैंने वो पहन कर देखा ना तो मुझे वो यहाँ पर उसमें इलास्टिक थी तो उस वजह से दिक्कत हो रही थी, और वो ऊपर ऊपर को आ रहा था तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर कलर वाइज बहुत अच्छा था वो, तो उसको मुझे रिटर्न करना था, और उसके बाद मुझे कुछ दिखा नहीं, शॉपिंग मैंने पूरी कर ली थी पहले ही, तो उसके बदले फिर हस्बैंड ने बोला ये ले लो ये अच्छा है, तो उसके बदले मैंने ये ले लिया। वो 499 का था तो ये 399 का है, 400 रुपये का ये मुझे पड़ा है। कपड़ा बहुत अच्छा है, ये देखिए कॉटन रेयन मिक्स है, प्योर कॉटन भी नहीं है और रेयन भी नहीं है। तो इसके चक्कर में वहाँ गई, और वहाँ जाकर फिर और सारी शॉपिंग कर दी, हस्बैंड ने भी थोड़ी बहुत कर ली। तो आपको पता है मॉल्स वगैरह में जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिख जाता है, वहाँ सारी चीज़ें का आपको काम की दिखती है, तो किचन से रिलेटेड भी मैंने बहुत कुछ लिया है। तो चलिए जब मैं उसे निकालूंगी किसी व्लॉग में बता दूंगी, तो मैंने कहा चलिए व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं, ये शॉपिंग वाला मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या मैंने लिया, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं, तो उन्हीं के लिए समझ के मैंने ये वीडियो बना ली। और खाना वाना हमारा हो चुका है, खाना खा के सब लोग टीवी देख रहे हैं, तो मैं आ गई थी यहाँ पर। इस ढेर को मैं आपको दिखाऊँ कितना ढेर है, ये देखिए इतना ढेर हो गया है, तो इसका पैकेट जो है ना वो फट गया है, ये देखिए फट गया है। तो ये सब मैंने लिया है, और पता नहीं मैं कुछ भूली ना हूँ। और मंदिर से मैंने बैंड वगैरह लेकर आई थी, मैं बगुलामुखी माता मंदिर है ना, वहाँ से बैंड लेके आई थी, और हाँ इयर रिंग्स लेके आई हूँ मैं, तो ये मैं लेकर आई थी। ये ना एक सिस्टर ने लिया था, एक मैंने,
बट ये मेरे पास ही आ गया, पहले मिल नहीं रहा था, तो ये देखिए ये मैं लेकर फर्स्ट टाइम मैं कुछ ये लेकर आई हूँ अपने लिए। एक बार मैंने करवा चौथ पे लिया था वो देखिए, उसके बाद ये मैंने लिए, बहुत सुंदर है। खाली ये रिंग वाले मैं ले रही थी पर वो बहुत बड़े थे, मैंने कभी लगाए नहीं तो मुझे अटपटे से लग रहे थे। ये मैंने ले लिए, पहनूंगी पता नहीं कब पहनूंगी, तो मैंने ले लिए। देखिए इस तरीके के बहुत सुंदर है और सिर्फ 50 रुपीज़ के ये मिले हैं। अगर आप इसको शिमला में लेते हैं ना तो 200-250-100 रुपये से कम कहीं भी नहीं है। तो ज्वाला जी में सभी 50-50 के थे। और ये देखिए इतने सुंदर, ये देखिए कितने सुंदर है ना, और लग रहे हैं देख के कि भारी होंगे, बिल्कुल भी भारी नहीं है, लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। इसके बिल्कुल हल्के हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सिस्टर ने लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो ये थे और ये मेरे पास आ गए दोनों, अब मैं भिजवा दूंगी। मम्मी जाने वाले हैं कल परसों में, और महाबगुलामुखी माता मंदिर गए थे ना, वहाँ से मैं ये सिंदूर लेकर आई। तो ये देखिए ये मैं लेकर आई, तो बस। और जो बैंड है वो सूजल और उसके पापा ने दोनों ने लगा लिए हैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और करती हूँ यहीं एंड, अब कल व्लॉग बनाऊंगी तो आपको परसों ज़रूर व्लॉग मिलेगा। मुझे मालूम है आप लोग व्लॉग को मिस कर रहे हैं, तो चलिए अब करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शॉपिंग अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।